Young Indian artists recently gathered in Shimla to promote and preserve the rich Indian art of sculptures. Over 24 young artists from different states came together at the historic Gaiety Theatre in Shimla for a 10-day workshop on wood, metal, stone sculpture and painting on cloth. The Lalit Kala Academy and the Himachal Pradesh Language, Art and Culture Department had jointly organized this workshop. The aim was to preserve India's rich traditional art and also to promote artists and their works. Academy की तरफ से जो camp चल रहा है, इसमें हम लोगों ने देश के युवा कलाकारों को promote करने के लिए बुलाया है, उनको invite किया है, साथ में हमारे हिमाचल प्रदेश के traditional artists हैं, लोक कलाएं हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, उनको promote करने के लिए एक camp आयोजित किया है। इस camp में metal casting, stone carving और पेंटिंग थंका पेंटिंग का भी इसमें हमने आर्टिस्ट को बुलाया है जो आजकल मतलब लोक कलाएं हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं उनको प्रमोट करने के लिए यूथ को काम करना चाहिए स्कल्पचर या पेंटिंग या कुछ भी क्योंकि हम लोगों का जो ट्रेडिशनल है वो यही है हम लोगों की शुरुआत आर्ट से हुई है अगर हम लोग अभी भी अगर जाते हैं अपना हिस्ट्री हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग कैसे अगर विजुलाइज करते हैं कि उस टाइम की सभ्यता कैसी रही होगी तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले स्कल्पचर मिलता है तो उससे पता चलता है कि हम लोगों के पास कोई रिटर्न मैटर नहीं है जो हड़प्पा है मोहनजोदड़ो है उसमें जो भी स्कल्पचर मिला है डांसिंग फिगर या फिर वहाँ का फोर्ट वगैरह तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग अभी जज करें कि शायद वो लोग ऐसे रहते होंगे या वहाँ का आर्किटेक्चर ऐसा रहा होगा तो ये आर्ट हम लोगों को एक बात हम लोग मर जाएंगे लेकिन वो जिंदा रहेगी Artists were happy to be a part of this kind of workshop as they get to mingle with each other and share their experiences.